सुपौल जिला के निर्मली प्रखंड मझारी स्थित युवा क्रिकेट क्लब द्वारा सोमवार को 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैच के प्रथम दिन उद्घाटन समारोह में जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि राम प्रवेश यादव व मझारी पंचायत के मुखिया रामुद्गार यादव सहित अन्य ने संयुक्त रूप से फीता काट कर विधिवत मैच का उद्घाटन किया। मौके पर उपस्थित जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि श्री यादव ने बताया कि निर्मली प्रखंड कोसी की गोद में बसे होने के कारण यहां क्रिकेट का कोई स्टेडियम नहीं है, बावजूद इनके हमारे प्रखंड के युवा प्रतिभाशाली हैं। लगातार हम सभी क्षेत्र के युवाओं को क्रिकेट के लिए प्रोत्साहित करते हैं और हमेशा हर संभव सहयोग प्रदान करते हैं। युवा अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं हो सकता, इसलिए पंचायत में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर बच्चों ने एक दूसरे के प्रति प्रतिभा जगाने का प्रयास किया, जिसमें हम लोगों का सहयोग हमेशा बना रहेगा। मौके पर सरपंच रामानंद यादव, ललित कुमार भारती सहित अन्य मौजूद रहे। धन्यवाद। मैं इस खेल के मैदान पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आज नई जिम्मेवारी हमारे प्रखंड के प्रतिनिधि जिला परिषद के करते हुए राम प्रवेश बाबू, हमारे वर्तमान मुखिया रामुद्गार भाई जी और उप प्रमुख के पति अशोक कुमार राय, ललित कुमार भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे नौजवान, मैं वादा करता हूँ चारों खुट्टा बराबर है। इस बार इस पंचायत इस प्रखंड के लिए हम लोग एक नया इतिहास कायम करेंगे, जिसमें जितना कमियां होगा, आप लोग बहुत कम बोले हैं, हम लोगों को बहुत बड़ी सपना देख के इस बार जीता है जनता। इसके लिए हम लोग कदम में कदम मिला करके काम करेंगे और आप लोगों का हर संभव प्रयास है, इस बार अगले 5 वर्षीय में कुछ कहने का मौका नहीं देंगे। एक्चुअल में यहाँ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और हम लोग के यहाँ अभी भी संसाधन की बहुत कमी है, फिर भी हमारे युवक बहुत उत्साहित हैं और प्रतिभा के यहाँ के युवकों में कमी नहीं है। और हम लोग मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग भी आए हैं, हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया जी भी हैं साथ में हमारे सरपंच साहब भी हैं, हम पूर्व में प्रमुख रह चुके हैं और अभी वर्तमान में जिला परिषद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम लोग की जिम्मेवारी होती है हमारे युवकों को जो है मनोबल को बढ़ाएं, और खेल जो है सद्भावना का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, इसको और उत्साहित करके लोगों में जोश जुनून भरे, ऐसी कामनाओं के साथ हम लोग प्रोत्साहन में आए हुए हैं। सर, अगर बात करें मैदान की तो यहाँ निर्मली प्रखंड में अभी तक खेल का जो है मैदान नहीं बना हुआ अभी। जी जी, आपको मैं बता दूं, ये कोसी दियारा क्षेत्र है, कोसी के उधर में हम लोग बसे हुए हैं, संसाधनों का घोर अभाव है, फिर भी हमारे यहाँ बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। और हम लोग सरकार को अपने पंचायती राज तंत्र के माध्यम से बार बार आगाह कर रहे हैं और इस बार हम लोग मन बना चुके हैं, ठान चुके हैं कि अगर हम लोग के बच्चों की उपेक्षा की जाएगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम आंदोलन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए। यहाँ जो ग्राउंड की जो कमी है, खेल की संसाधन की कमी है, वो अवश्य पूर्ति हो, और खेल मंत्री से भी हम पत्र लिख चुके हैं, हम लोग उस पर मुस्तैद होकर के इसको काम कराना हम लोग की जिम्मेदारी है। हम लोग R9 भारत के लिए बिहार से रिपोर्ट मोहम्मद आजाद की। COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए निजी विद्यालय के ग्रुप ऑफ डायरेक्टर की बैठक प्रोग्रेस पब्लिक स्कूल रामपारा कटिहार में आयोजित की गई। बैठक की जानकारी देते हुए संघ के सदस्य ध्रुव चंद्र झा ने बताया कि कोरोना विद्यालय से नहीं फैल रही है, विद्यालय में शिक्षक एवं छात्र अनुशासन से रहते हैं, COVID-19 के तमाम गाइडलाइन का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा COVID-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए जो चीज खुले रह गए हैं, ऐसे कोई भी जगह इस तरह की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, हर चौक चौराहों एवं बाजारों पर भीड़ लगी रहती है जिससे कोरोना फैल रहा है, ऐसे में सिर्फ विद्यालय बंद करा कर COVID-19 को नहीं रोका जा सकता, इसीलिए सरकार को इस कठिन दौर में अभिभावकों की सहमति से 50% उपस्थिति के साथ विद्यालय खोलने की अनुमति देनी चाहिए ताकि छात्रों को जागरूक कर उनके परिवार को भी कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए उनकी पढ़ाई भी चालू रखी जा सके। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार द्वारा 21 जनवरी तक स्कूल खोलने पर विचार नहीं करती तो प्राइवेट स्कूल चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा और बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों से भी सहयोग लिया जाएगा। इस बैठक के दौरान प्राइवेट स्कूल संघ के ध्रुव चंद्र झा, विकास कुमार ठाकुर, पवन कुमार, रंजीत कुमार, विनोद कुमार आदि उपस्थित थे। रखी गई थी सर विशेष बैठक रखी गई थी कि अभी 21 तक हम लोग स्कूल बंद करने का निर्णय जो सरकार का है हम लोगों ने पहले ही पालन कर लिया। इस विषय पर सारी शैक्षणिक गतिविधियां बंद हैं और हम सरकार से आग्रह करेंगे केवल स्कूल को बंद करने से कोरोना पर कंट्रोल नहीं होगा, आप पूरे बाजार को ही बंद करें, हर गतिविधि को बंद करें। अगर आप बंद नहीं करते हैं
तो जिस तरह से 50% से आप बाजार या मॉल या सरकारी कार्यालय खुलवा रहे हैं, उसी 50% पर हम लोगों को विद्यालय चलाने का भी आदेश दिया जाए, अथवा कक्षा एक, कक्षा दो, कक्षा तीन, कक्षा एक दिन में एक ही कक्षा को पढ़ाएंगे, इसी तरह चलाने के लिए दिया जाए। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और दो वर्षों से सभी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक पीड़ित हैं, और फिर कितने पीड़ा को सहेंगे, क्या करेंगे। इस उद्देश्य से मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, या तो बंद ही तो पूरा बंद कर दिया जाए, खुला रहे तो हम लोगों को भी खुला करके एक गाइडलाइन के आधार पर विद्यालय चलाने के लिए दिया जाए। लोग जो मांग कर रहे नहीं माना जाएगा तो हम लोग सर आंदोलन करेंगे, सड़क पर अपने स्कूल का, अपने कोचिंग का बैनर लगा करके सड़क पर ठेला लगाएंगे, सांकेतिक विरोध करेंगे। या तो हम लोगों के लिए कोई समाधान दे, हम लोगों के लिए कोई रास्ता निकाले, अथवा हम लोग आगे कार्यक्रम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सरकार के खिलाफ। सर का परिचय? ध्रुव चंद्र झा, प्रमुख ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, कटिहार। R9 भारत के लिए कटिहार से रिपोर्ट।